एजुकेशन के या किसी और सिलसिले में, बिल्कुल गाइडलाइन है किसी और सिलसिले में, तो वो एलिजिबल है फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, उनको हम बोलते हैं ओवरसीज वोटर्स। मगर ये ख्याल रहे अदरवाइज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और दूसरी चीज कि ही हैज नॉट गॉट सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर स्टेट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया जो है ना डबल सिटीजनशिप या डबल सिटीजनशिप अलाउ नहीं कर रहा। एक बार आपने दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप ले ली तो यू ऑटोमेटिकली गेट डिस्क्वालिफाइड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इनको हम ओवरसीज वोटर्स बोलते हैं। अब तीसरी चीज है दैट इज सर्विस वोटर्स, सर्विस वोटर्स, सर्विस वोटर्स को बोलते हैं। तो सर्विस वोटर्स की असल में चार किस्में हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी एनी टाइम, नो इशू। सर्विस वोटर्स के चार किस्में हैं। एक उनको हम बोलते हैं आर्मड फोर्सेस ऑफ इंडिया, आर्मड जिसमें नेवी है, एयरफोर्स है, ये आर्मी है, ब्रो जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो उसमें फॉल करते हैं। ये जो है ना ये सर्विस वोटर्स की कैटेगरी में फॉल होते हैं। एक उनकी दूसरी कैटेगरी है, बी कैटेगरी, वो है आर्मड फोर्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हु आर कवर्ड बाय द लॉज ऑफ 1950, आर्म्स लॉज ऑफ 1950। आर्म्स फॉर आर्मड फोर्सेस बीइंग एन मेंबर ऑफ आर्मड फोर्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आर कवर्ड अंडर द लॉज ऑफ 1950, आर्म्स लॉज 1950। हिंदुस्तान फौजी इस ब्रेक में, फॉर एग्जाम्पल पता है ITBP है, SSB है, BSF है, CRPF है, वो आर्मड फोर्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन लेकिन वो 1950 के जो आर्म्स लॉज है उस कैटेगरी में वो फॉल होते हैं, तो वो भी जो है ना सर्विस वोटर में ही आएगा, वो भी दो कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी जो है सर्विस वोटर की, वो है स्टेट आर्मड फोर्सेस, जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर में JKAP, जम्मू कश्मीर आर्मड फोर्स, स्टेट आर्मड फोर्सेस बट ऑन डिप्लॉयमेंट आउटसाइड द स्टेट। आर्मड फोर्सेस वो स्टेट के है मगर डिप्लॉयमेंट पर स्टेट से बाहर है, तो वो भी इस कैटेगरी में फॉल होगा, जिनको हम बोलते हैं दिस क्या सर्विस वोटर्स। और फिर चौथी कैटेगरी को इसमें आते हैं, वो है दैट एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु आर ऑन डिप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। हिंदुस्तान एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यम आउटसाइड इंडिया डिप्लॉयमेंट, फॉर एग्जाम्पल ऐसे वजह